Therefore, Bahar al-Anwar is very reliable. Yeah. Okay? Thank you very much. Okay, may Allah bless you. Allah keep you well. Thank you. Please do dua for me and family. Okay, I'll do dua. I'll do dua. May Allah bless you and Allah keep you well and Allah grant you your wishes. Bihaqqi Muhammad wa Ali Muhammad alayhim as-salam. May Allah keep you and your family in His grace. Okay, sade kol ek call hai. Kitnu Pakistan tu? Oh, janab, ye Shia call kiya. Aap Shia hain, bhai? Ji, assalamu alaikum, sir. Ji, janab, assalamu alaikum. Kya naam hai aapka? Ji, mera naam Rana Tanveer Abbas hai, sir. Main Pakistan ke Sadiqabad shehar se bol raha hu. Pakistan ke kis shehar se? Sadiqabad. Sadiqabad. Okay, janab, kya hukm hai, bhai? Agar sahab, main aapko ek mahine se, ded mahine se sun raha hu aur main kar Shia hu. Gaali dete hai mujhe dekh ke ya nahi dete? नहीं 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 बहुत प्यार करते हैं साहब. ओके जाकिरिन तो गाली देते हैं भाई. इतने गाली जो जाकिरिन देता है ना वो कोई नहीं 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 हम आपसे बहुत जाकिरिन का जाकिरिन उनके पास बचा ही नहीं. गाली के सिवा कुछ नहीं बचा बेचारों के पास. नहीं नहीं ओके जी हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और बहुत प्यार करते हैं आप. हम भी आपकी इज्जत करते हैं और प्यार करते हैं. कोई हुक्म है मेरे लायक हुक्म करें जी सर. मेरा क्वेश्चन है कि हमने अगले दिन आपका प्रोग्राम सुन रहा था वो कलंदर के ऊपर आप बोल रहे थे. लंगर पे. हेलो जी लंगर पे कलंदर जी जी वसन वाले कहना था कि हमने तो शियत मैंने तो शियत हमने जो शियत है ली ही कलंदर से है. गलत क्या पे जाते थे. गलत क्या उस्मान मरवंदी जो नहीं है आपको अहले बैत अलैहिम सलाम 12 इमामों की वजह से लेना चाहिए. उस्मान मरवंदी की वजह से नहीं लेना चाहिए. बिल्कुल लेना हमने उन्हीं लेकिन हम सही बिल्कुल उन्हीं के दर से जाते थे तो वहाँ से ये फैज हमें मिला. वहाँ से ये सबक हमें मिला कि अहले बैत से प्यार करना है अहले बैत से मोहब्बत करनी है. तो उनका नाम शाह हुसैन है. उस्मान है या शाह हुसैन है भाई. शाह हुसैन है उनका नाम. और उनके वालिद इब्राहिम मुजाब उनका जो रोला मुबारक है वो अपना मौला हुसैन के हरम के में बताया जाता है. बहरहाल ये जो मैं उसको तो नहीं जानता आप ये जो उस्मान मरंदी है वो मैंने जानता था तहकीक के वो आदमी एक सूफी शख्स था. उसका तशय्यो से कोई उस्मान मरंदी नहीं है सही हुसैन है. उसका बहरहाल मैंने जो देखा वही उस्मान नाम था उसका और उसका तशय्यो से कोई वास्ता नहीं है. होशिया नहीं था. बहरहाल ये सूफी हजरात जो है ना सूफी हजरात सैयद हों या गैर सैयद हों सूफी हजरात सूफिया सब शियों अहले बैत अलैहिम सलाम से मोहब्बत का इद्दा करते हैं. इसी तरह बुखारी मुस्लिम ये सब. हाँ मैंने रिसर्च किया हुआ है. मैं आपको बता रहा हूँ ये सूफी हजरात इनमें कम नहीं है इस बात के कायल के वो अहले बैत अलैहिम सलाम से मोहब्बत करते हैं और बड़े बड़े प्यारे शेर लिखते हैं. ठीक है ना. अब आपका जो है ये मुल्ला जलाल रूमी जो है उसने कितने अशआर लिखा है अमीर उल मोमिनीन अलैहि सलाम के मनकबत में. कोई शिया जो है इतने जबरदस्त अशआर बहुत कम शियों ने लिखा होगा जो उसने लिखे हैं. ता पैवंद जहान बूद हमले अली बूद ता नक्श जमीन बूद जमान बूद अली बूद अली बूद क्या अशआर लिखे हैं. क्या वो अशआर भी जबरदस्त है ना लेकिन वो कटर उम्र ये नहीं है. सूफी हजरात के बातों पे ना जाएं कि अगर उसने अहले बैत अलैहिम सलाम की तारीफ की है कहीं एक दो शेर बोले वो फिर अबू बकर उमर की भी मनकबत करते हैं. ओके और मदह करते हैं वो होते उमर ही है. और भाई आपके जो सूफी हजरात हैं ये दीन के दुश्मन है. ये इनसे प्यार करना जो है अहले बैत अलैहिम सलाम से इन्हराफ है. और आप जो है ना आपको कलंदर की क्या जरूरत है. भाई बाप के 12 इमाम है उनके बाद कोई इमाम नहीं है. कलंदर ना कोई मुहद्दिस है ना उसकी कोई किताब है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है. उसके बाजार पे उर्स होता है वही जो पीर मुरादी वगैरह पीर मुरीदी वाले लोग जाते हैं उधर डांस वगैरह करते हैं ना. किसी हदीस में नहीं है कि तुम उसके कब्र में जाओ. ज़ियारत अगर करनी है आइए अबरार अलैहिस्सलाम मशहद मुकद्दस बस में बैठो अदकाबाद से कोयटा कोयटा से उधर ईरान तक फिर वो एक दो दिन में उधर पहुंच जाओगे. इतना खर्चा भी नहीं है. वो ज़ियारत जो है वो क्या सवाब है. इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सारे गुनाह माफ़ हो जाते. ओके ऐसे ऐसे लोगों को आपको नींब इत्तबा करना चाहिए जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुनहरिफ है और उनको जबरदस्ती आप शिया बनाओ सूफियों को. आखिरी कॉलर है जी. कितना कॉल किया है तुम. सलाम अलैकुम. ओ पाकिस्तान वाले ओ गल करो जनाब. वो गल नहीं कर रहा है. ये कॉलर लेते हैं भाई. ये कॉलर गल ही नहीं करता जी. सलाम अलैकुम. हिंदुस्तान वाले बात करो. हिंदुस्तान वाले क्या हो रहा है भाई. अस्सलाम वालेकुम साहब. अलैकुम सलाम. क्या नाम है भाई. रियाज हुसैन इंडिया से राजस्थान जयपुर. वाह जी हुक्म करें जनाब. जयपुर वाले आपके जयपुर में जो हिंदू होते हैं वो बड़े कट्टर होते हैं ना. आपके जयपुर के जो हिंदू हैं वो बड़े कट्टर होते हैं. नहीं है जी ऐसी बात नहीं है. नहीं नहीं अच्छा हिंदू नरम है आप लोगों के इलाके में. हमने जो सुना है कि जयपुर के हिंदू जो हैं बड़े बड़े वो कट्टर होते हैं. ये गुजरात के होते हैं और ये जो नरेंद्र मोदी है अभी सिटिंग पीएम उनकी उनकी जो है बात अच्छा माहौल तो खराब किया ही है पॉलिटिक्स ने. हुक्म करें. कोई सवाल है कोई हुक्म है भाई हमारे लायक हुक्म करो भाई. बिल्कुल 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 सवाल हजरत अबू हजरत उमर हजरत उस्मान जो जिंदगी है इस्लाम से पहले वो मैं जानना चाह रहा था. कलमा पढ़ने से पहले जानना चाह रहा था इनकी. वो मेरा एक तकरीर है ना 9 रबीउल अव्वल को 9 रबी में मैंने वो तकरीर किया उधर सुन लो भाई. ठीक है ना प्लीज आप इधर सर्च करो मैं दिखा देता हूँ उसको. मैं इनके इसके मुतालिक जो है ना उसमें मेरी तकारीर सुन लो. उनकी जिंदगी अब मैं क्या शुरू करूँ उनकी जिंदगी. भाई अब कोई कोई एक सवाल तो ऐसे सवाल करो ना कि उसको मैं एक 10 सेकंड में जवाब दे दूँ.
सवाल आपने ऐसे किया उसका कुछ जवाब देने में भी कई तकरीर करें तो कम है। ओके, सवाल भी ऐसा करो ना इनकी तरह भाई, उनके जिंदगी इस्लाम से पहले बताओ, वो भी एक शख्स नहीं, एक दो तीन। मियां इधर आ जाओ, मेरे चैनल पे आ जाओ ना, मेरे चैनल पे उधर जाके लिख दो उमर, इधर उमर से अगर प्यार है आपको उधर लिख दो उमर, फिर उमर का बायोग्राफी आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ पे आ जाएगा भाई। उमर यहाँ पे एक 12 रबी को जो हमने तकरीर किया था लाइव सेक्शन पे, लाइव सेक्शन में दोबारा चलते हैं भाई, लाइव सेक्शन में कौन सा था, ईद उज़्ज़हरा स्पेशल उमरी शो, ये देख लेना भैया, जश्न पुर मुसर्रत अय्याम सुरूर, ये देख रहे ना, ये वाला ईद उज़्ज़हरा वाली, ये यहाँ पर है। इसकी तारीख कब है मैं दिखा देता हूँ, तारीख कब है इसकी, तारीख है भाई 26 सितंबर, 26 सितंबर को हमारा ये लाइव शो हुआ था, उसमें हमने उमर के मुतालिक कोई मजे की कुछ बातें बता दी। ओके मेरे मोहतरम नाजरीन, आप सबका बड़ा शुक्रिया।